उत्तर प्रदेश गन्ना परिवार के सभी साथियों को बिनी सिंह भदौरिया की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, समय हमारे कोरोना काल चल रहा है। कोरोना महामारी हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। कहीं न कहीं से इसी के बीच हमारे कुछ खेती के कार्य भी चल रहे हैं। हमारी गन्ना कटाई के बाद हमारे खेतों में पेड़ी का प्रबंधन हम कर रहे हैं और जो हमारी पौधा है उसमें खरपतवार का प्रबंधन कर रहे हैं, सिंचाई का प्रबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऐसे खेत हैं गेहूं के बाद कहीं कहीं ढेच बोने की तैयारी कर रहे हैं। हम कहीं कहीं लोग खेत छोड़ करके धान लगाने की तैयारी करेंगे। कहीं कहीं धान के बाद जिनको अक्टूबर बुवाई लगानी है, अक्टूबर बुवाई करनी है, वो गोबर की खाद डालेंगे गेहूं के बाद। इन सब चीजों के बीच में अगले साल गन्ने की सप्लाई भी करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारे खेतों में इस समय चल रहा है, जो खेती के लिए हमें बहुत आवश्यक है, वो ये है कि इसमें गन्ने का सर्वे चल रहा है। हमारे जो चीनी मिल के जो प्रतिनिधि हैं, चीनी मिल के जो गन्ना पर्यवेक्षक है, या जो समिति के हमारे जो सरकारी गन्ना परिषद के जो गन्ना पर्यवेक्षक है, दोनों लोग मिलजुल करके गन्ना सर्वे का कार्य चल रहा है। तो आज हमारे गन्ना सर्वे जो कार्य खेतों में हो रहा है, तो हमें उनके साथ मिल करके हमारा गन्ना समुचित रूप से निकल जाए, तो उसके लिए हमारे पास कितनी पेड़ी है, कितना पौधा है, कितना हमें पशुओं की आवश्यकता होगी, तो वो अपने गन्ना पर्यवेक्षक के साथ मिल करके हमारी जो गन्ना का एरिया हमारे पास है तो उसको हम अपना सर्वे जरूर करा लें। चूंकि ऐसा होता है कि इस समय अगर हम सर्वे अपनी नहीं करवाएंगे, हमें ध्यान नहीं रखेंगे कि कितना हम सर्वे चढ़वाना भूल जाएंगे, तो आगे हमें पर्चियां मिलने में दिक्कत होती है। तो पर्चियां अच्छी तरीके से मिलती रहे आगे, इसके लिए आगे हमें परेशान न होना पड़े, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि गन्ने का सर्वे जब चीनी मिल द्वारा करवाया जाए या गन्ना विभाग के द्वारा करवाया जाए, तो हमें उस पर नजर करके अपनी गन्ना सर्वे जरूर करा लें, ताकि बाद में हमें परेशान न होना पड़े। कहीं कोई दिक्कत है, कोई स्पेशल केस है, उसके बारे में भी आप अपने गन्ना परीक्षक के सामने अपनी बात रख करके और उसके बारे में भी आप उसका जो रिजल्ट करवा लें, अपनी बातें सीडीआई महोदय के पास पहुंचा करके, तो उस पर भी आप अपनी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद गन्ना पर दर्शन होगा तो उसमें भी आपको नजर रखनी है। घोषणा पत्र भरवाए जाते हैं, घोषणा पत्र भी सबको भर के देना है, घोषणा पत्र भी सबको भर के देना है। तो इस तरीके से हम गन्ने की पैदावार भी करें, पैदावार की भी तरफ नजर रखें, और उसके अलावा गन्ने का कैसा हमें गन्ने की सप्लाई होगी उस पर भी हमें कड़ी नजर रखना है। इसके साथ साथ हमें जैसा पता है कि हमें अपनी गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए अक्टूबर बुवाई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है,
तो बहुत से लोग धान की बुआई करेंगे, धान लगाएंगे, तो धान को इस दृष्टि से लगाने की जरूरत है ताकि धान आगे जल्दी कट जाए, ताकि उसमें हम अक्टूबर में बुआई कर सके। इस चीज पर हम लोग अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इस दौरान जब हम हमारा गेहूं कट जाता है, इसके बाद हमें अपने खेतों में गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। क्या होता है कि कई बार वैसे तो हरी खाद हमें करनी चाहिए, कई बार क्या होता है कि हरी खाद के लिए समय नहीं होता है, तो हमें कहीं ना कहीं से आसपास कहीं गौशाला से या ऐसी जगह जहां ज्यादा जानवर है तो गोबर की खाद हमें जरूर अरेंजमेंट करनी चाहिए। और गोबर में भी जो गाय का गोबर है वो अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, तो गाय के गोबर की खाद हमें अगर मिलती है तो हमें जरूर डालनी चाहिए। आज के खेती के दौर में चीनी मिल द्वारा जैविक भी हमें दी जाती है, तो जैविक भी कहीं अरेंज हो रहा है, वो भी मुझे डालना चाहिए, लेकिन खेत में ऑर्गेनिक मैटर की उपलब्धता बहुत जरूरी है। और यही एक समय होता है जो मई के बाद जून, मई और जुलाई के बीच में, मई और अप्रैल, ये मई और जून के बीच में यही एक महीने रेस्ट पीरियड होता है जिसमें कि हम खेत को थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं, और इसी में हमें पानी भी बरसता है, तो इसमें इस एक महीने का हमें खेत में ऑर्गेनिक मैटर कैसे हमें जोड़ा जाए इस पर जरूर काम करना चाहिए, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ कहीं कहीं ढेंचा मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं मिल पाता है, तो गोबर की खाद डाल दे, गाय के गोबर की खाद डाल दे, और स्प्रे अगर पेड़ी पे हम अगर यूरिया नहीं डाल पाए हैं, हम अगर उसको उसका टॉप ड्रेसिंग नहीं कर पाए हैं यूरिया की, तो स्प्रे जरूर कर दे। स्प्रे में भी इफ्को के प्रोडक्ट बहुत से आते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक इफ्को का सागरिका आता है, सागरिका का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो अगर हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो यूरिया के साथ सागरिका का मिक्स करके और खेत में उसकी टॉप ड्रेसिंग हम जरूर करें। ये देखा गया है कि पेड़ी में ज्यादातर लोग पत्ती छोड़ देते हैं, इस बार कोरोना के कारण वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को नहीं जोड़ा गया है खेती में, तो जिन लोगों ने पत्ती फैला दी है, तो खेत में अगर पत्ती फैली है तो उसका बहुत फायदा मिल रहा है, उसमें हमें जल संरक्षण भी हो रहा है, और उसके साथ साथ हम घास का भी नियंत्रण कर रहे हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट है। तो अगर पत्ती पड़ी है तो उन खेतों में तो बहुत ज्यादा हमें नहीं करना, उनमें हमें स्प्रे ज्यादा से ज्यादा करनी है, यूरिया स्प्रे। पत्ती पड़ी है तो उस पर हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर नहीं सकते, तो उसमें हमें स्प्रे का बहुत अच्छा शेड्यूल बनाना है, और स्प्रे के साथ साथ हमें निश्चित रूप से हम सिंचाई तो जरूर करेंगे। जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रे के साथ सिंचाई जुड़ी ही होती है, तो स्प्रे और इरिगेशन, ये दोनों इस समय इसका एक बहुत बढ़िया शेड्यूल बना करके, और ये दो महीने हैं, इसके बाद तो हमारे हाथ से बात निकल जाती है। जुलाई में पानी, जून जुलाई में पानी बरसता है बहुत ज्यादा, तो उधर हम खेत में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसी समय अपनी अपने मिट्टी को अपडेट, खेत को अपडेट करने की जरूरत है, और इसी समय जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। तो इसी समय हमें सर्वे के लिए भी बहुत ही अवेयर रहना है, बहुत ही जागरूक रहना है, हमारी आवश्यकता के अनुसार सर्वे हो जाए, और अगर हमारी समस्या है तो उसको अभी से हम रख लें, SCDI साहब के पास या DCO साहब के पास अभी से जगह समस्या रखेंगे, तो वो हमारी धीरे धीरे आगे हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारी बात को समझेंगे, अगर अभी नहीं उसको रिजॉल्व कर पाए तो आगे उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि सर्वे हो रही है, हमें क्या मतलब है, चीनी मिल वाले आएंगे सर्वे कर ले जाएंगे, हमें क्या मतलब है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने काम को करवाना चाहिए। और
धान में जो वैरायटी लगानी है तो वैरायटी का भी चयन कर लें। धान में जो वैरायटी बहुत सी अच्छी वैरायटी आती है, हाइब्रिड लगाना है कि देसी लगाना है, तो वैरायटी का भी चयन कर लें। वैरायटी खेत बीज खरीद के रख लें और ताकि धान एक्चुअल में जब अक्सर धान की बुआई नर्सरी पड़े लगती है उसके बाद लोग देख करके अवेयर होते हैं। तो धान की नर्सरी अच्छी कैसे तैयार करें इससे संबंधित अभी से चिंतन करना शुरू कर लें ताकि उसमें नर्सरी डाल सके धान की। इसके अलावा हमारे और भी खेती में इस समय काम चल रहे हैं, कुछ लोग उड़द मूंग इनकी भी कुछ लोग बुआई करते हैं तो उसके भी काम चल रहे हैं। ओवरऑल अच्छा है, हमारे जो खेती में लगे हुए हमारे जो उत्तर प्रदेश गन्ना परिवार के साथी हैं, कोरोना बीमारी जो विश्व से हमारे सामने आई है उसने भी बहुत लोगों की जान ली है। हमारे देश में लगभग 2.5 लाख मौतें कोरोना से हो गई हैं और ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि ये एक पेंडेमिक है, इसके अलावा ये इन्फोडेमिक भी है। पेंडेमिक तो है ही चूंकि कोरोना का जो वायरस होता है बहुत खतरनाक होता है, इसके अलावा हमारे देश में चूंकि बहुत सी जो कैजुअल्टीज हुई हैं वो उसमें वायरस का तो रोल रहा ही है, उसके साथ साथ जो ये इन्फोडेमिक है इसी जो माहौल बन गया है जिसमें हम भयभीत हैं, भयभीत होने के कारण हम होपलेस हैं। जब हम भयभीत होते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, तो अब वो बहुत से हमारे आसपास भ्रांतियां फैली हैं और उस भ्रांतियों के कारण जो हमारे अंदर भय पैदा है उसके कारण भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ये एक महामारी है, वायरस के द्वारा फैली है, पूरे विश्व में फैली है, लेकिन इस महामारी का भी नियंत्रण करने के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध हैं और अगर हम पेशेंस पूर्वक धैर्य पूर्वक हम उन सभी साधन का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस बीमारी से निपटना कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन जब हम भयभीत हो जाते हैं तो भयभीत होने से हमारे अच्छा सूर्या रेड्डी जी सिंचाई हो चुकी है, वर्षा से ड्राफ्ट ड्रेसिंग करें, गैप फिलिंग करें, सर्वे में उपस्थित रहें, ऑनलाइन घोषणा पत्र जरूरी है। हमारे सीडीआई साहब हैं महमूदाबाद सीडीआई साहब, उन्होंने लिखा है कि सिंचाई हो चुकी है क्योंकि वर्षा हो गई है, तो अब वर्षा हो गई है तो ड्राफ्ट ड्रेसिंग करें उसमें और गैप फिलिंग करें और सभी में उपस्थित रहें, ऑनलाइन घोषणा पत्र जरूर भरें। हाँ खैर ये तो बात सही है, सिंचाई हो चुकी है तो ऐसे हमारे जो साथी लाइव है जो इस समय हमारे साथ हैं तो वो जो सुझाव देना चाहे तो सुझाव हमारे लिख सकते हैं, हम उनको सुझाव को पढ़ेंगे तो जो आपका सुझाव है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग अभी जो लाइव देख रहे हैं कुछ लोग नहीं देख रहे हैं तो बाद में इसको जब हम पोस्ट करेंगे तब भी ये बात पहुंच जाएगी लोगों तक। तो अब इसमें इन्फोडेमिक के कारण हमें ये सोचना है कि अगर कहीं हमें दिक्कत हुई है, कहीं कोई खांसी है जुकाम है या ऐसे कुछ लक्षण मिलते हैं तो हमें भयभीत न हो करके हमें उसका क्वारंटाइन हो जाना है, आइसोलेट हो जाना है और सिंपल जो भी प्रिकॉशन बताए गए हैं उनके अनुसार हमें रिलैक्स होना है और धीरे धीरे उसमें हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है जब हम रेस्ट मोड में होते हैं और उसमें हमारा शरीर उस चीज को रिकवर कर लेता है। तो जब हम पैनिक होते हैं तब हमें ज्यादा दिक्कत होती है, तो पैनिक ना होकर के हमें पेशेंस पूर्वक उसको रिलैक्स होकर के हमें उसका सामना करना है और इससे धीरे धीरे हम उससे निजात पा जाएंगे।
तो कोरोना महामारी में भी हमें यही कहना है कि डरे नहीं, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट से आ रही हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, पॉजिटिव रहें, अच्छी अच्छी चीजें देखें, अपने मोबाइल पर भी बहुत ही अच्छी चीजें देखें, टीवी पर अच्छी चीजें देखें और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखें, लोगों की मदद करें। कोई जरूरी नहीं कि मदद करने से भी आपके अंदर एक आध्यात्मिक एक मानसिक बल मिलता है और जब आप लोगों की मदद करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो सेफ में रहते हुए हमें लोगों की मदद का भी भाव रखना है, अपने सेफ गार्ड्स मजबूत रखते हुए। और वैश्विक स्तर पे क्या चल रहा है तो उस पर भी नजर रखें, हमारे गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आ रही है, लॉकडाउन में क्या गाइडलाइंस आ रही हैं, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस के हिसाब से भी उस पर भी नजर रखें और ज्यादा अवेयर रहें। जो एक नॉर्मल पीरियड होता है, ये जरूरी नहीं कि हम घर में रहें तो बिल्कुल सोते रहें, ज्यादा अवेयर रहें। घर में रहने के बावजूद हमें ज्यादा अवेयर रहना है, पहले से ज्यादा सक्रिय रहना है। और निश्चित रूप से कि जब घर में रहते हैं तो नॉर्मली जब हम घर में रहते हैं तो तभी हमारे अंदर एक घर में भी एक पैनिक होता है, बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बुजुर्ग हैं और सबको एक साथ रहना होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें घर में कैसे रहना है। बहुत ज्यादा पेशेंस बोली, बच्चों को उनकी भी प्रॉब्लम समझनी है, अपनी जो बुजुर्ग है उनकी भी प्रॉब्लम समझनी है, अपने घर में भी सबको मिल करके रहना, तो ये भी इस पर भी घर में भी पैनिक नहीं होना है। घर में भी हमें ऐसे बैलेंस करना है चीजों को, ये ज्यादा टफेस्ट टास्क है और इस टास्क को हमको पूरा करना है। क्योंकि आप बाहर नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे तो घर में भी हमारे चूंकि एक साथ बराबर लगातार 24 घंटे सब साथ साथ रहते हैं तो हम कैसे उसको उस इस सिचुएशन को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव रहे, कैसे हम पैनिक ना हो। चूंकि बच्चे हैं, देखिए हमारे कल्चर में, हमारी परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। भगवान कृष्ण हमारे बाल रूप में हमारे बीच अवतरित हुए, तो बच्चे जो गलती करे तो उसको बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण के दर्शन करें। कितनी उन्होंने लीलाएं दिखाई पूरे संसार में, उसके बाद यशोदा जी को कितना उन्होंने परेशान किया, उसके बाद वो ईश्वर बाल रूप में उन्होंने इसीलिए अवतार लिया कि एक बालक को हमेशा हमें प्यार ही करना है, उसकी किसी भी गलती पर उसे सजा नहीं दे करके हमें उसको प्यार ही करना है। हमारी सभी देवियां, देवी स्वरूप, सभी हमारी जो देवी शक्तियां, सभी देवी स्वरूप मानी गई है। तो अब जब हम घर में रहते हैं तो सभी के साथ मुझे उसी रूप में बैलेंस करना होता है। कहीं ना कहीं से हम युवा हैं, युवा होने के नाते बालकों का भी मेरे ऊपर बोझ है और बुजुर्गों का भी मेरे ऊपर बोझ है, तो कहीं ना कहीं से जो बुजुर्ग हैं हमारे तो उनके साथ भी उनके साथ भी हम अपने तालमेल अच्छे रखें। क्योंकि अक्सर होता है कि हम युवा होने के नाते हम केवल उन्हीं चीजों को बढ़िया देखते हैं जो ताकतवर हैं, ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन एक बुजुर्ग जो हमारे बीच है, जो हमारा, तो हम कहीं ना कहीं से हमारे अंदर एक भाव रहता है कि उसके प्रति हमारा ध्यान कम जाता है। तो आज चूंकि हम लॉकडाउन में हैं तो हमें सबके साथ एक संतुलित व्यवहार करके और एक जो होम घर में जो हमें रहना है तो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं करके
और सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से और अपने को काढ़ा पीते रहे। काढ़ा में जो भी कंपोजिशन होते हैं, अलग अलग कंपोजिशन के काढ़े हैं, बहुत से हमारे सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे, तो वो काढ़े पीते रहे। इसके अलावा जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो प्रोन वेंटिलेशन के बारे में बताया गया है। प्रोन वेंटिलेशन को बता दें, ऑक्सीजन कैसे हम शरीर हमारा रिकवर कर लेता है। कई बार कोई जरूरी नहीं कि सिलेंडर से ही ऑक्सीजन हमें दी जाए, कई बार हमारा शरीर उसको रिकवर कर लेता है। ऐसी हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों के बारे में भी हम जानकारी रखें, इमरजेंसी में कोई जरूरी नहीं मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, तो प्रोन वेंटिलेशन को भी हम महत्व दें और काढ़ा पीते रहें। उसके अलावा कुछ एका जिसे जादू की पोटली, जिसमें इलायची, लौंग, अजवाइन, कपूर, ये सब डाल करके एक पोटली बनाई जाती है जिसको हम सूंघते रहते हैं, इससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहता है। तो प्रोन वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं अपने आसपास। तो आज हमारे लाइव आने का मकसद यही था कि कुछ खेती की बात हो जाए और कुछ चोरों की बात हो जाए। हम चाहते हैं आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और ये समय निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा, बहुत अच्छा समय आएगा और फिर हम एक उस जो हमारा गुजरा पल है हम उसको फिर से जी पाएंगे जैसी बीमारी थी। और इसी के साथ हम आप सभी को पुनः निवेदन करते हैं कि सर्वे करवाएं और कोरोना से बचें और अन्य भी खेती में जो कार्य चल रहे हैं उनको अच्छे से करें, क्योंकि इस समय खेती एक ऐसा धंधा है जो लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। तो ये चलता रहे और किसी का कोई विचार हो, कोई कमेंट हो वो हमें करें, तो किसी का कोई प्रश्न हो उसको भी हम बताएंगे। इसी के साथ अगर हो तो हम दो मिनट आपके साथ हैं, दो मिनट पांच मिनट कोई कमेंट लिख सकता है, हम उस पर अपनी व्यू देंगे, अपना विचार देंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, भारत माता की जय।